HFF ब्लैंकेट ड्राइव आज हम लोग कांदीवली मलाड बोरीवली के साइड में निकले हुए हैं। यहाँ की सारी टीम एक साथ में है और ये ब्लैंकेट ड्राइव हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। मेरे साथ मिस्टर हेमल जी हैं जो कि HFF के नेशनल टीम में हैं और इनका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इन सब एरिया के अंदर, बोरीवली कांदीवली वहाँ पे। मैं हेमल जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप कुछ बताएं कि ये ड्राइव के बारे में किस तरह चल रहा है और आप किस तरीके से इसको आगाज देते हो। HFF ने ठंडी के वजह से एक जिम्मेदारी उठाई है कि जो ठंडी में खुले रास्ते में सो जाते हैं तो उनको ब्लैंकेट देने का काम किया है, क्योंकि हमने देखा है रात को घूम के कि कड़ी ठंडी में लोग कैसे खुले सोते हैं, अपने आप पे प्लास्टिक ढक के या फिर कुछ बैनर वगैरह निकाल के सोते हैं, तो हमसे देखा नहीं गया। तो हमने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम लोग ने डोनेशन इकट्ठा करके लोगों को ब्लैंकेट पहुँचाने का काम किया रात को घूम घूम के। हमारे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग ने मतलब अच्छा काम किया है। आज बोरीवली और कांदीवली इन लोग आए हैं नेशनल टीम वाले, और साथ में हमारे 50 से ज़्यादा लोग हैं कार्यकर्ता जो इनमें है और ब्लैंकेट बांट रहे लोगों को, गरीब लोगों को। जी बहुत 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 शुक्रिया। तो ये जैसे आप अभी आप देख रहे हो कि ये काफ़ी लोग यहाँ पे ठंड में सोए हुए हैं, और इसीलिए हम लोग मकसद हमारा सिर्फ यही रहता है कि भाई जो सही में नीडी लोग हैं उन तक ये सब जाना चाहिए। तो आधी रात में इसीलिए हम लोग निकलते हैं ताकि इन लोगों तक हम पहुंच सकें और जो ज़रूरतमंद है उन्हीं तक हम लोग पहुंच सकें। और ये रात भर हमारा ये ब्लैंकेट ड्राइव चलते रहेगा। और हमारे साथ आज यहाँ की पूरी HFF की टीम, कांदीवली बोरीवली की पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ में है। आज हमारे जो रेसिडेंट हैं नावेद सर, वो भी आज हमारे साथ में हैं। मैं नावेद जी से कहता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में बताएं ज़्यादा कि यहाँ के कौन कौन टीम है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। नावेद जी, आज कांदीवली बोरीवली ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं यहाँ की टीम से, एंड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 लोग हैं मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से, तो यहाँ पे ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। और ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है पूरा, आई थिंक अगले 3-4 घंटे तक और चलेगा, भले जितने भी देर चले। हमारा टारगेट है कि हम लोग जेन्युइनली वहीं पे बांटे जहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए हम लोग खुद पर्सनली जाके आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सही में ज़रूरत है। आप देख सकते हो पूरी टीम आई हुई है, कांदीवली की, बोरीवली की, ये जावेद जी है इनकी टीम यहाँ पे पूरी आई हुई है, हेमल मास्टर जी उनकी टीम आई हुई है, राहुल सावंत की टीम आई है। जावेद जी, आपको कैसा लगता है ये HFF का जो ब्लैंकेट ड्राइव है? हम लोग इस आधी रात में निकले हैं और जो रोड पे देख रहे हैं हम लोग, लिटरली जैसे लोग सोए हुए हैं उनको हम लोग जाके ये चीज़ दे रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ में टीम में जुड़े और ऐसा नेकी का काम करते रहें और गरीबों की मदद करते रहें। सर जी, आप भी 2 साल से तो मैं आपको खुद देखता हूँ कि आप ये इलाके अंदर काफ़ी आप इनिशिएटिव लेते हो और आधी रात में आप भी साथ में चल के दे, तो कैसा लगता है आपको ये HFF का ये ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव जो है HFF का, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? यूनिक है, एक्सेलेंट है, ये पूरा टीम वर्क है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी आधी रात में साथ में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरीके से ये करते रहिए, अभी भी हम लोग January 31st तक के हम लोग कंप्लीट चालू करने वाले हैं और ये ड्राइव जो है वो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे चल रहा है। अभी आज हम लोग यहाँ नवी मुंबई से मुंबई आए हैं और ये मुंबई की टीम ने आज यहाँ पे आयोजन किया है और आधी रात में हम लोग कांदीवली मलाड बोरीवली जहाँ जहाँ पे जो भी ऐसे नीडी लोग हैं उन लोग तक हम पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग भी जुड़िए, शुक्रिया। सर वन सेकंड रिव्यू दो बोलिए। नमस्कार, मी एक मुंबईकर, मी HFF टीम मधून जॉईन झालो आहे, ऍज अ मला 6 महिने झाले जॉईन्ड होऊन, मला हिंदी कमी येतं, मराठी मध्ये बोलतो, चालेल। आज नावेद शेख आहेत आपल्यामुळे, त्यांच्यामुळे आम्ही इथे एक स्कीम राबवली आहे ज्याच्यामुळे जे काय गरीब आहेत त्यांना आम्ही जो काय वाटप केलं आहे त्यांच्या
आश्रयाला मिळेल म्हणून त्यांना थंडी वाऱ्यापासून संरक्षण मिळेल त्यामुळे नावेशेक आम्हाला सपोर्ट केलं त्याच्यासाठी आम्ही त्यांच्यामुळे जॉईन झालो. मी प्रत्येक मुंबईकरासाठी एक त्यांना एक आव्हान करतो ज्यांनी कुणी नावेशेक किंवा एचएफएफ टीम ह्युमन राईट्सच्यामुळे जे कोण त्यांच्यामुळे जुळत असेल त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी आमच्यावर जॉईंट व्हा ही कृपा करतो. सगळ्यांनी जॉईंट व्हा जेणेकरून प्रत्येक मुंबईकराला एक सुखी भाकरी घर म्हणजे म्हणतो ना आपल्या म्हणजे आरोग्य वगैरे निवारा वगैरे जे काय असेल ते मिळेल. नावेशेक ह्या टीमला फॉलो करतात आणि आम्ही त्यांना फॉलो करतो म्हणून तुम्ही आमच्यावर जॉईंट व्हा ज्याच्यामुळे प्रत्येक मुंबईकर आणि प्रत्येक गोरगरीब सुख होईल ही ईश्वर श्रेणी प्रार्थना करतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. जब भी ब्लँकेट ड्राइव सुरू करते हैं तो उसके पहले हमारे जो इलाके होते हैं वो इलाके के अंदर जो एचएफएफ की टीम होती है वो लोग रेकी करके आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ जरूरी जरूरतमंद लोग हैं कौन से सड़क के ऊपर सोए हुए हैं. इसीलिए हम लोग आधी रात में निकलते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम लोग पहुँचते हैं. ये ड्राइव 31 जनवरी तक चलते रहेगा. मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि प्लीज़ आप जो भी हैं जहाँ भी हो इंडिया में इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम अगर किसी को घर नहीं दे सकते तो कम से कम हम उनको चादर उड़ा सकें या एक ब्लैंकेट हम उनको उड़ा दें. तो मेरा आपसे इल्तिजा है कि प्लीज़ आप ये कंटिन्यूस करिए और ये नेक काम में आप सब साथ में हमारे आइए. थैंक यू सो मच. ज़्यादातर ये ड्राइव हम लोग रात में इसलिए करते हैं ताकि जो रोड के ऊपर सोए हुए लोग रहते हैं जिनके पास में ब्लैंकेट या कुछ ओढ़ने का नहीं है आज ठंडी इतनी लग रही है देखो सामने वहाँ पे आग लगा के ये लोग बैठे हुए हैं तो जेन्युइन जो लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुँचे. और अगर किसी को सिर्फ इंटरेस्ट है कि भाई हम आपको सपोर्ट करना है या हमारे साथ में आना है तो वो भी हमारे साथ में चल सकते हैं. अभी ये पूरा जनवरी का पूरा महीना हम लोग ये ड्राइव चलाने वाले हैं और जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.